दीपक उपल जूनियर गोविंदा, और पेशे से मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम ही एक लुक लाइक का है, गोविंदा जी का मैं ऐड करता हूँ। करीबन आज 25 साल से चल ही रहा है। एकदम खुशी के बारे में दो दिन से सोया भी नहीं, बराबर इतने अंदर खुशी थी कि भाई इतने बड़े इंसान मुझसे मिलेंगे। 25 साल से मैं ये आदरणीय गोविंदा जी का डुप्लीकेट हूँ, तो यही काम कर तो बस उनके नाम से चल रहा। अरे हटा सावन की घटा, खा कुचा पति बुझा, नेट टकले प्रिंट टुकले, आंटी बार बार मंटी में घंटी बजा रही लिए, कुल्लाओ के पच्ची को पटले, बहुत हो गया पुटले पटले शाला बंद। क्या जूनियर गोविंदा, अभी एक गोविंदा जा रहे थे एयरपोर्ट पे, जूनियर गोविंदा की एंट्री हुई, साथ में सुनीता जी भी थी, आपने उनको बुके दिया, क्या हुआ था उस रोज, कब की बात है? ये 5 तारीख की बात है, सुबह 11:20 की बात है ये। और बहुत में एक्साइटमेंट था कि भाई हमारे आदरणीय गोविंदा जी आ रहे हैं, और मैं बता नहीं सकता अपनी खुशी के बारे में कि आज मैं 23 साल के बाद उनसे मैं मिल रहा हूँ दोबारा। और मैं सोच रहा था कि वे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। और हालांकि आप लोग ने सबने देखा कि मैं मोबाइल में अपने उनकी पिक्चर और मेरी पिक्चर दिखा रहा था कि मैं 23 साल पहले आपसे मिला था, और उनके साथ काम करने का मुझे मौका भी मिला था बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। कुछ जेल के कुछ ऐसे शॉर्ट थे जो बैग लेना पड़ रहा था उस टाइम, तो मैं उनका बैग भी किया था। तो उन्होंने देख के जो रिएक्ट दिया है, इतनी खुशी हुई उनको, मुझे सो स्वीट बोला, और बार बार कंधे पे हाथ रख रहे थे वो, तो बड़े प्यार से मिले और एकदम मुस्कुरा दिए। जी ने मैं भुवनेश्वर जा रहा था शोज के लिए, भुवनेश्वर जा रहा था तो मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था, मेरे भी कुछ फोटो ले लिए। तो एक मीडिया वाला बोला गोविंदा जी भी आ रहे, तो मैं रुक गया। तो वहां पे कोई बुके वुके तो मिलता नहीं, तो भाई कभी आ रहे हैं, मैं वहां पे 10 बजे पहुंचा था, और मैं 4 बजे मेरी फ्लाइट थी। बोला यार हम जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मीरा रोड से प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो मैंने बुके वुके मंगा लिया, तो सडनली ये सब हो। मैंने तो गाड़ी गाड़ी में आए हूँ, और मुझे देखा सडनली मैं सामने ही खड़ा था उनके, और कांच में से मुझे हाथ दिखाया, और एक दूसरे से मैंने हैंडशेक किया। उसके बाद मैं वो उतरे, मुझसे मिले, आ जाओ करके मुझे खुद बुलाया उन्होंने, और फिर मेरे करीब भी आए और बातें हुई उनसे, और मैंने अपने फोटो शेयर किए, सर मैं आपसे मिला था। और फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, अपने मैनेजर को बोले कि इनका नंबर ले लो, मुझे बोले घर आना, भाभी जी भी बोली घर आना करके। अभी सोच नहीं सकते इतना प्यार दिया उन्होंने, एकदम खुशी के बारे में दो दिन से सोया भी नहीं, बराबर इतने अंदर खुशी थी कि भाई इतने बड़े इंसान मुझसे मिलेंगे कल, खुश हो गए। और मैं आपको बता दूं, भाभी जी ने भी इतना अच्छा कमेंट दिया, क्या सांप के कार्बन कॉपी है करके, इतना अच्छा लगा। तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि भाई ऐसा कुछ होगा करके। और लोगों का प्यार और उत्साह देख के कि मैं एक आदरणीय गोविंदा जी का मैं लुक लाइक हूँ, और मुझे इतना एपिसेट करेंगे, इतना प्यार देंगे, तो तमाम जितने भी हमारे वर्ल्ड के जितने भी न्यूज चैनल जो लोगों ने मुझे देखा, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी मेरा नाम दीपक उत्वन है, डांस करता हूँ मैं, गाता भी हूँ। मेरा कैरियर जो है करीबन आज 25 साल से चल ही रहा है। 25 साल से मैं ये आदरणीय गोविंदा जी का डुप्लीकेट हूँ, तो यही काम कर रहा हूँ। सभी को हमारे आदरणीय गोविंदा जी बहुत पसंद है, और उनका लुक लाइक होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं बता रहा हूँ आपको,
मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उनकी तरह लगता हूँ कि एक्टिंग करता हूँ, बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि आपने देखा है गोविंदा जी ने पूरे वर्ल्ड का दिल जीता है, सबको स्माइल दिया है, इतनी अच्छी इतना अच्छा एंटरटेनमेंट दिया है, तो मेरा परिवार भी बहुत खुश है मुझसे सब कुछ। और जो कुछ भी हूँ आज उनके नाम से मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं ट्रेन में और बस में बड़ा कम घुमा हूँ, मैं फ्लैटों में बहुत ज्यादा घुमा हूँ उनके नाम से। मैंने बहुत शोज किए आउट ऑफ कंट्री और काफी सालों से मेरा आना जाना है, तो बस उनके नाम से चल रहा है। मैंने साहब जी को भी बताया कि सर मैं आपके नाम से सब इवेंट्स करता हूँ और जी भी रहा हूँ। मेरे फैमिली वाले के तो ऐसा है कि भाई वो भी बहुत खुश हुए कि हमको भी आना चाहिए था वहां पे गोविंदा जी को देखने के लिए, कि हम लोग भी देख लेते, हम लोग भी सेल्फी ले लेते, मिल लेते, तो यही सब है कुछ। देखते हैं दोबारा कभी कुछ होगा तो फैमिली को भी ले जाएंगे।